पिछले कुछ दिनों से आपने ये खबरें जरूर पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन बादल फटने और बिजली गिरने की घटनाएं कोई नई नहीं है। बारिश के मौसम में अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब हम बादल फटने की बात करते हैं तो क्या सच में बादल फटते हैं? बिजली क्यों और कैसे गिरती है? तो भास्कर एक्सप्लेनर में आज बारिश के मौसम से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं कि बादल क्या होते हैं और क्या बादल वाकई फटते हैं। बादल आसमान में तैरते हुए पानी की बूंदे या बर्फ होते हैं। जब वाटर वेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर की ऊपरी सतह पर पहुंचकर ठंडी हवाओं के साथ मिल जाते हैं तो ये बादल कहलाते हैं। और जब किसी छोटे इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में एक घंटे या उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। भारत में मॉनसून कहां से आता है? भारत में मॉनसून दोनों दिशाओं से प्रवेश करता है। अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाएं पहले बारिश को लेकर केरल पहुंचती हैं। वहीं बंगाल की तरफ से मॉनसून की दूसरी धारा प्रवेश करती है जो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए गुजर जाती है। बिजली चमकती क्यों है और चमकने के बाद क्यों सुनाई देती है आवाज? आम भाषा में कहें तो दो बादलों के समूह जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। जब हवा और बादल के बीच फ्रिक्शन होता है तो इससे बादल चार्ज हो जाते हैं। फिर जब पॉजिटिव चार्ज वाले बादल के समूह नेगेटिव चार्ज वाले बादल के टुकड़े से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है और इससे ही तेज रोशनी चमकती है। जब एटमॉस्फेयर में इस बिजली का मूवमेंट होता है तो इससे हवा में गर्मी पैदा होती है। गर्मी की वजह से हवा में मौजूद लाखों करोड़ों छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और इनसे ही गरजने की आवाज होती है। कुछ खास इलाकों में ज्यादा बिजली क्यों गिरती है? किसी खास जगह पर वातावरण में हवा और बादल की वजह से अस्थिरता होती है और इन इलाकों में ज्यादा बिजली गिरने का डर बना रहता है। इसकी दो वजह है। पहली वजह, कितनी ऊंचाई पर बादल बन रहा है। दूसरी वजह, मल्टी लेयर क्लाउड बनने से। ये ऐसी जगह बनते हैं जहां जमीन में नमी कम होती है, इसी वजह से किसी क्षेत्र या राज्य में ज्यादा बिजली गिरने की घटना होती है। बारिश की बूंदें गोल और आकार में छोटी बड़ी क्यों होती हैं? बारिश की बूंदों के गोल होने के पीछे साइंस की दो वजह हैं। पहली वजह, सरफेस टेंशन, वो गुण जिसकी वजह से कोई चीज फैलती या सिकुड़ती है। दूसरी वजह, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जिसकी वजह से कोई चीज नीचे गिरती है। सरफेस टेंशन और ग्रेविटी के कारण ये बूंदें गोल आकार में गिरती हैं। वातावरण, ताप और दबाव की वजह से बारिश की बूंदों के आकार में अंतर होता है। धूप और बारिश साथ साथ क्यों होती हैं? कई बार ज्यादा ऊंचाई पर बादल अनियमित हो जाते हैं। बादल एक साथ न होने के कारण ये इधर उधर फैले हुए होते हैं। बादलों के बीच में गैप होने की वजह से सूरज की किरणें धरती तक पहुंचने लगती हैं। बारिश के दिनों में सबसे खूबसूरत होता है रेनबो। पानी की बूंदों से टकराकर किरणें सात रंगों में डिवाइड हो जाती हैं और हम इसे रेनबो कहते हैं। एक और बात, कहीं कहीं बारिश होती है और कहीं बारिश नहीं होती है, इसके पीछे भी साइंस है। बादल एक क्षेत्र तक के दायरे में ही अपना मॉनसूनी सिस्टम बनाते हैं। कई जगह के बादलों में ज्यादा पानी होता है तो वहीं कई जगह के बादलों में कम मात्रा में पानी होता है, इसलिए कहीं तेज बारिश होती है और कहीं कम बारिश होती है। तो ये थे बारिश के मौसम से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब।